शराबी में अमिताभ बच्चन का ये कहना कि मूछें हों तो नथुलाल जी जैसी हों वरना ना हों। आखिर नथुलाल जी कौन है? फिल्म शोले में अमजद खान यानी गब्बर सिंह का ये पूछना, तेरा क्या होगा कालिया, कालिया कौन है, क्या आपको पता है? शायद नहीं। ये जो किरदार हैं जो आपको हमेशा ता जिंदगी याद रहते हैं, किरदारों तक ही सीमित है हमारी जिंदगियों में। इनका रियल नाम क्या है, इनकी ज़िंदगी में क्या कुछ हो रहा है, या इनके बारे में जानने की शायद किसी को उत्साह भी नहीं है। तो ऐसी ही कहानी, ऐसे ही कई किस्सों को जोड़कर निर्देशक हार्दिक मेहता ने फिल्म बनाई है कामयाब, जो कि कैरेक्टर एक्टर्स की ज़िंदगी पर आधारित है। उनके दुख दर्द, उनके किस्से, उनका जो एक अलग साइड है, डार्क साइड है, वो आपको शायद पर्दे पर हंसाते होंगे, रुलाते होंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगियों में क्या कुछ होता है, कैसे वो अपनी पहचान के लिए जो उनकी जद्दोजहद होती है उसे लेकर निर्देशन ने ये फिल्म बनाई है। और सपोर्ट किया है शाहरुख खान ने, उनका जो प्रोडक्शन हाउस है रेड चिलीज ने इसे प्रोड्यूस किया है। कामयाब की कहानी है सुधीर की। सुधीर एक साइड एक्टर होते हैं पुरानी फिल्मों में, जो तकरीबन हर दूसरी फिल्म में नज़र आते हैं, और वो अपने आप को आलू कहते हैं। आलू इसलिए कि आलू के बिना कोई भी सब्ज़ी अधूरी होती है, तो आलू की तरह जिसका कोई अलग से एक पहचान नहीं है, हर सब्ज़ी में वो खप जाते हैं, उसी तरह से सुधीर अपने आप को, अपने किरदारों को ऐसा मानते हुए वो करीब 499 फिल्म वो कर चुके होते हैं। मगर उम्र के एक अलग पड़ाव में जब सुधीर को ये एक इंटरव्यू के दौरान एक जर्नलिस्ट से ये पता चलता है कि 499 फिल्म, 500 क्यों नहीं, तो एक बार फिर से उनको जुनून सवार होता है कि मैं अपना एक आखिरी फिल्म करना चाहता हूँ जो कि लैंडमार्क फिल्म होगी और लोग मुझे याद रखेंगे। 499 फिल्मों में तो किसी ने याद रखा नहीं उनके किरदारों के अलावा, लेकिन 500वीं फिल्म जो होगी वो मेरी यादगार फिल्म होगी। सो इस खोज में, इस ढूंढने के चक्कर में सुधीर निकल पड़ते हैं, अपने दोस्त से मिलते हैं, जो कि उस ज़माने का उनका दोस्त जो है वो दीपक डोबरियाल ने जो किरदार निभाया है संजय मिश्रा के साथ, वो जब उनकी मुलाकात होती है तो पता चलता है वो एक कैरेक्टर कास्टिंग डायरेक्टर बन चुके हैं, तो उनके ज़रिए वो एक रोल उन्हें मिलता है। क्या कुछ होता है ये फिल्म में देखने वाली बात है कि आज जब इस दौर में आकर के उस कैरेक्टर एक्टर को एक अच्छा बढ़िया रोल मिलता है तो वो उसे किस तरीके से वो निभा पाता है या नहीं, वो आज की जनरेशन के साथ कदम से कदम मिला पाता है या नहीं, ये कहानी है फिल्म की। संजय मिश्रा ने अपने किरदार को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। वो एक्टिंग में वो तो माहिर है ही, जैसा कि शाहरुख खान ने फिल्म जब प्रीमियर चल रहा था तब हम वहाँ बैठे थे और उस वक्त शाहरुख खान ने ये बताया कि संजय मिश्रा उनके गुरु, उनके टीचर रहे हैं और संजय मिश्रा से वो आज भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो सीखने वाली बात है क्योंकि संजय मिश्रा ने अपने किरदार को इतने अच्छे तरीके से निभाया है, पूरी फिल्म में आपको कहीं ऐसा बोर्डम नहीं लगेगा कि भाई और तो कोई है ही नहीं इसमें। हालांकि साथ में दीपक डोबरियाल हैं, जहां मैं थोड़ा निराश हूं क्योंकि दीपक डोबरियाल जिस तरीके के अभिनेता हैं उनके किरदार को और ज़्यादा एक्सपोजर मिलना चाहिए था, या फिर और भी ज़्यादा उन्हें मतलब दिखना चाहिए था फिल्म में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बाकी जो दो तीन और कलाकार हैं पुराने ज़माने के, लिलीपुट हैं या फिर खोटे साहब हैं, वो थोड़े मोड़े जगह, अवतार गिल हैं, इन्हें दिखाया गया है इस फिल्म में, लेकिन फिल्म जो है वो संजय मिश्रा की है। फिल्म का म्यूज़िक दिया है रचिता ने, जो मतलब एकदम यादगार कोई म्यूज़िक नहीं है, लेकिन जो बैकग्राउंड में ज़्यादा हो रहा होता है, और एक गाना है जो संजय मिश्रा पर फिल्माया गया है। तो हल्की फुल्की फिल्म है, अगर आप संजय मिश्रा को देखना चाहते हैं एक अलग ही अंदाज़ में तो आप कामयाब देख सकते हैं।